बैक टू एमपी थिएटर रहता है साहेबान मेहरबान कदरदान, एक नजर इधर मेरी जान, आपके बीच SC1 NSS यूनिट लेके आया है स्वयं लिखित स्वयं निर्देशित नुक्कड़ नाटक राख और धुआं। राख और धुआं? अरे हाँ हाँ भाई, राख और धुआं तो देखना चाहोगे मेरे साथ? हाँ तो आओ मेरे साथ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। सूत्र सुनाने आए हैं हम, खुद बताने आए हैं, वो सब समझाने आए हैं। तो देखा जा क्या पक्का है जिसको सुनने में, जिसको सुनने में, जिसको सुनने में ना लड़का खर्चा है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, मुंह का ध्यान सबको ले लो। अरे अरे अरे, आप कौन भाई? मैं नशा हूँ। नशा? नशा हो तो तुम करते क्या हो? मैं क्या करता हूँ? मैं तुम सबको अपनी गिरफ्त में बांध के रखता हूँ, मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा के रखता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये बताने से ज्यादा दिखाने में मजा आएगा। तो देखना चाहोगे मेरे साथ? बिल्कुल। तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ दुनिया की सैर पर। हो रहा जाऊंगी। क्यों भी तुमने इतनी शराब की, खुद को कर लिया पूरी तरह बर्बाद और छोड़ कर चले गए। मम्मी मम्मी पापा हमें क्यों छोड़ के चले गए? मम्मी स्कूल की फीस भी कौन देगा? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरा भाई किधर है? मम्मी भैया तो कल से घर नहीं आया। अरे देख रहे हो इतवाही, मैंने ही मचाई। बाप भी गया, बेटा भी गया। देखो मैं आता तो हूँ मजा बन के, लेकिन जाता हूँ सजा बन के। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करता हूँ मैं जिंदगियों में प्रवेश। हस्ती खेलती उम्र में कर देता हूँ रोज का कलेश। चलो आओ मेरे साथ। अरे वाह, आज मौसम कितना अच्छा है यार। हाँ यार, आज तो दारू पीने का मन कर रहा है। आज तो बॉटल शॉटल खुलनी चाहिए, क्या बोलता है? मैं नहीं पीता भाई। अबे छोटा बच्चा है क्या तू? अरे ले, मैं कुछ बनने आया हूँ। तुमको दूध पीना है, जा दूध पी। दूध अच्छा होता है भाई। एकदम ही डिफेक्टिवाजी है तू तो। तेरे से कुछ नहीं होगा, बच्चा है तू। अरे मार दिया, मार दिया दूध। छोटा बच्चा है क्या? मैन फंक्शन आदमी है। छोटा बच्चा है क्या? मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। क्या दारू दूर पीना यार? बेचारा कुछ बनने आया था घर से, जुडिशरी की कोचिंग भी रह गई, जिंदगी भी खत्म कर ली अपनी, सारा करियर राख कर दिया उसका, उसकी राख कर दी जिंदगी। ये तो रही एक स्टूडेंट लाइफ की कहानी। अब तुम्हें आओ दिखाता हूँ घर घर की कहानी। पूरा दिन नशे में खुद रहती हूँ, कब तक चलेगा ये, कब तक जीऊंगी मैं ऐसे? बकवास मत कर, चल रोटी लगा। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कहाँ से लेके आऊंगी मैं रोटी? पूरा दिन तुम नशे में धुत रहती हो, पूरा दिन, कब तक जीऊंगी मैं ऐसे घुट-घुट के? नहीं कहीं मत जाओ।
क्या दिया इस नशे ने मुझे, कहीं का न छोड़ा। भूल गया तू खुद को ही और सबसे ज्यादा रोड़ा, भूल गया तू खुद को ही और सबसे ज्यादा रोड़ा, भूल गया तू खुद को ही और सबसे ज्यादा रोड़ा। तू कर सकता है, तू नशा छोड़ सकता है। अरे हिम्मत मत हार, अब से भी तू इंसान बन सकता है। दृढ़ निश्चय कर, तू नशे को हरा सकता है। तू ये चैन अरे 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 आजा मेरी गिरफ्त में। आज मैं इस दृढ़ निश्चय करता हूँ, आज इसी वक्त मैं अपनी जिंदगी नशे को समाप्त करता हूँ। नशे को छोड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसे कई उपाय हैं जिससे आप नशे को छोड़ सकते हैं, आइए वो देखते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में जाके आप अपनी शराब की लत छोड़ सकते हैं। वह 3 से 6 महीने का कोर्स होता है जहाँ पे धीरे धीरे आपकी दारू छोड़ने में वो आपकी सहायता करते हैं, वो आपको मानसिक सहायता देते हैं। निकोटिन गम की मदद से आप अपने बीड़ी गुटखा छोड़ सकते हैं, जो तंबाकू का सेवन है उसको रोक सकते हैं। 180 से 120 दिन के बीच में आप छोड़ सकते हैं। नशा करने से हमारे अंदर शरीर में एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो आप नशे करने की आदत को आप किसी ऐसी आदत से बदल सकते हैं जिससे आपको अच्छा भी लगे और कोई नुकसान भी ना हो। इस तरीके से आप नशा को छोड़ सकते हैं। नशा जो है वो सिर्फ आपके और आपके परिवार वालों के लिए नहीं, इस समाज के लिए भी हानिकारक है। ठीक है सब क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज बनता है, ये तो आपको पता होगा। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज बनता है और स्वस्थ समाज से ही देश की उन्नति होती है। तो आज ही कसम खाएं कि हम नशे को छोड़ देंगे, तोड़ देंगे और उसको कभी मुंह नहीं लगाएंगे। नुक्कड़ कहता बात बनेगी सुन लो मेरे यार, नशा बोलता है रगों में कर देता लाचार। फिर तुमसे कहता है नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। आभारी हैं हम कि आपने इतना शांति से हमारा नुक्कड़ नाटक देखा, अपने कीमती समय से निकाल के 10-15 मिनट हमारा नुक्कड़ नाटक देखने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।